ਆਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂਗਾ 800 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਦਾ ਸਹੀ ਆ ਜੀ 7-800 ਰੁਪਿਆ ਕੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਰੇਟ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1800 ਕੁਛ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ बने हुए हो टी वी एन आर आई के नाल ते मैं हाँ इंद्रजीत सिंह चाल असी इस वेले कपूरथला की मुख अनाज मंडी दे विच मौजूद हाँ ते इत्थे दुआबे दे विच खास तौर पर जिहड़ी तीजी फसल जानी जाती है मक्की की फसल उसकी आमद इत्थे बहुत ही जोर शोर दे नाल हो रही है ते वड्डी गिणती विच किसान इत्थे मक्की की फसल लैके पहुँच रहे हैं पर उम्मीदां किसानां दीआं इस मंडी दे विच पहुँचण तों बाद पूरियां नहीं हो रही केंद्र सरकार ने मक्की का घट्टो घट समर्थन मुल 1870 रुपये तय किया होया है पिछले साल ये मुल 1850 रुपये सी ते इस बार केंद्र सरकार ने 20 रुपए का मामूली वाधा करके मक्की के भाव दे विच किसानां दे नाल वड्डा मजाक किया सी ते हुण मंडियां दे विच किसानां दे नाल मजाक हुंदा दिखाई दे रहा है जिस मक्की का भाव 1870 रुपये है तो मंडियां दे विच ओही किसानां दी मक्की 800 तो लैके 1400-1500 तक विकरी है भाव की मंडियां दे विच लुट हो रही है सरकार इस खरीद तो भज रही है सरकार ने हाले तक कोई भी एक क्वांटल तक भी मक्की की खरीद नहीं की हालांकि सरकार भाव तय करती है मक्की का पर जदों खरीद की वारी आती है तो मंडियां दे विच सरकार की कोई भी एजेंसी मक्की खरीदने वास्ते नहीं आती निजी हत्थां दे विच किसानां नूं मक्की वेचण वास्ते मजबूर होना पै रहा क्योंकि मक्की की वाढ़ी तो बाद उन्होंने झोना लाना है तो जिहड़ी गिल्ली मक्की आ 800 तो 1000 रुपए तक मंडियां दे विच विकरी है तो किसानां नूं इस फसल वेचण दे विच बहुत घाटे का सामना करना पै रहा हालांकि किसानां दे दसण मुताबक इस बार मक्की की जिहड़ी फसल है उहदा उत्पादन वधिया है झाड़ चंगा निकल रहा है पर फिर भी सरकारी खरीद ना होने कारण किसानों नूं घाटे का सामना करना पै रहा किसानों नाल गलबात करते हैं कि उन्होंने किस तरह का भाव मिल रहा है खेतीबाड़ी ये विभाग के अधिकारियों ना भी उन्होंने तो भी जानकारी लवेंगे कि मक्की का किस तरह का उत्पादन होया तो मंडी बोर्ड के अधिकारियों के नाल भी असीं गलबात करांगे कि हुण तक कपूरथला की मंडी विच किन्नी मक्के की आमद हो चुकी है पहले तो आ रहे हैं जी लैके भा का तो भाजी कोई यकीन नहीं गा 800 हज़ार पक्का नहीं कुछ ज्यादा चाहिए भाजी कहता सही है जी 7-800 रुपया की भाव जी एदा सरकार ने 1800 रुपया 70 रुपये भाव बनया हाँ जी सरकार खरीद रही मक्की कित्थे कोई भी नहीं खरीदता सरकार वाला इत्थे किहड़ा खरीदता भाजी सब प्राइवेट यार रले रुले फिरते सारे भाजी सरकार तो यही मांग करते हैं भी सरकार खरीदे देखो जी अं जलंधर तो लागे बरियाणा पिंड है अपना असं उतों मक्की लैके आ रहे हैं मक्की तो चलो अज मैं पहले दिन ही ले आया आम किसान तो दस दिया भी 950-1000 रुपए के गिल्ली का रेट आ और जो सका के बेचता है वह 1400 रुपए तक लग जाता हाँ जे देख लो इस बार लग रहा भी जे इस तरह विकती रहेगी तो शायद खर्चे पूरे हो जाएंगे सरकारी रेट तो 1870 रुपये है फिर तुम घट रेट से कदों बेच रहे हाँ जी सरकारी रेट 1800 रुपये देखो ये तो मजबूरी है मॉइस्चर है जे मौसम खराब हो गया फिर असं फसे रहेंगे इतने हाँ जी इस करके मजबूरी बन जाती है भी इन चलो जान दो गिल्ली ने हाँ जी हाँ इस करके नहीं तो सका के जो कोई बेचूगा मौसम खराब हो गया फिर बेच फस जाना उन्हें इस काम फिर वो रेट वह सही नहीं लगना सरकार तो हम ये नहीं कह सकता लै रहे व्यापारी तो ले खरीद रहा है हाँ जी हाँ जी पिंड संधु चट्ठा जी जिला कपूरथला पैंदा जी ये पिंड मक्की का मैं गिल्ली मक्की इतने विकती है जी कपूरथले मंडी चाहता 1000 तो लैके 1050 रुपये 70 रुपये भी कल विकी है जी ये झाड़ यदा गिल्ली का 50-55 क्वांटल निकलता है हाँ जी सरकार का नहीं कोई नहीं खरीद रेट बनया उन्होंने 1800 कुछ जी सुकी मक्की का पर नहीं जी वह मक्की नहीं कोई नहीं खरीदा जी सरकार वालों मक्की का कोई नहीं कोई खरीद नहीं जी कमेटी कपूरथला अधीन हूँ तक 1236 क्वंटल आ चुकी है जिन्हों 11806 क्वंटल मेन मंडी च बाकी दूसरी मंडिया के आ चुकी है ठीक है जी 845 तो लैके 1545 तक रेट लगता है
ज़्यादा प्राइवेट तौर पर ही बिकती है क्योंकि मार्केट खरीदी वह भी एम एस पी तो घट खरीदी है तो बाकी ठीक चल रहा रेट इस टाइम। प्रबंध किस तरह के किए गए? प्रबंध मुढ़ले प्रबंध सारे आ बिजली शाम पानी दे सारे अरेजमेंट। किसानों की कहना चाहोगे? किसानों यही है ये तो इदा होंगी जी गिली गिली मक्की ना लिया तो सुका के लिए रेट वधिया मिल जाता तो वह फायदा रहेगा किसानों। तो मक्की की खरीद मंडियां दे वेच पूरी तरीके दे नाल नहीं हो रही, किसानों बहुत घट भाव मिल रहा है। जिस तरह की किसानों ने दसिया कि 1870 रुपये सरकारी भाव है तो सरकार मंडी आदे विचों मक्की नहीं खरीद रही, इसलिए निजी हत्थां दे विच किसानों निजी व्यापारियों के कोल मक्की बीजन लिए मजबूर होना पै रहा है क्योंकि दुआबा बैल्ट दे विच इस रुती मक्की दी बहुत वड्डी काश्त की जाती है। इत्थे आलू की फसल लगाई जाती है तो आलू तो बाद किसान बहार रुत की मक्की की काश्त करते हैं, बहुत महंगा बीज लैके किसानों वालों मक्की बेची जाती है, पर जदों मंडियां दे विच किसान मक्की बेचण आउंदा है तां उस तरह का भा जिस तरह का किसान उम्मीद करता है जां जिस तरह का भा सरकार तय करती है वह भा किसानों नूं नहीं मिलिया। केंद्र सरकार ने दावा किया कि जिहड़ी एम एस पी आ वो लागू रहेगी और 20 रुपये मक्की दे भा विच वाधा करती है केंद्र सरकार। जदों पेट्रोल दे डीजल दे कीड़े मार दवाइया के जोड़े रेट है वो धड़ाधड़ वध रहे हैं, खादा के रेट वध रहे हैं, पर मक्की दे रेट विच 20 रुपए का हसोहीना वाधा केंद्र सरकार वालों किया जाता है। हालांकि झाड़ चंगा निकल कारण किसानों के थोड़े बोले मक्की की फसल बीजन वाले किसानों के खर्चे जरूर पूरे हो रहे हैं, पर सरकारी भाव तो बहुत दूर बहुत घट रेट से मंडिया के मक्की वेक रही है। तो सरकार को चाहिए कि वह किसानों की वाह फड़े तो जड़ियाँ अपन खरीद एजेंसिया ने उन्होंने मंडिया के भेजे ता जो किसानों की जी मक्की है वो सरकारी खरीद हो सके। कैमरामैन गुरदेव सिंह के नाल इंद्रजीत सिंह चाल, NRI मीडिया कपूरथला।